फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी किसी वेल मैच्योर इंसान के अंदर मधुमेह का खतरा दिखाई देता है तो वो उसे पहचान नहीं पाता है और अंत में जाकर डॉक्टर से ही उसे पता चलता है कि उसे डायबिटीज हो चुकी है। तो फिर बच्चों के केसेस में आपका क्या कहना है? बच्चों के केसेस में आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते हैं कि बच्चों को शुगर है या नहीं है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही लक्षण जिन्हें देखकर आप पता लगा सकते हैं कि बच्चों के अंदर मधुमेह का खतरा है या नहीं। पॉइंट नंबर 1, अगर आपके बच्चे को जरूरत से ज्यादा प्यास लगती है तो ये एक ऐसा लक्षण हो सकता है जिसकी वजह से आप देखकर अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं कि आपके बच्चे के अंदर डायबिटीज का खतरा बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, अगर आपने अक्सर देखा हो और गौर किया हो तो बच्चों के पास पानी पीने तक का समय नहीं होता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत बिजी होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें स्कूल जाना होता है, सारा होमवर्क पूरा करना होता है, खाना खाना होता है, कार्टून्स देखने होते हैं। इन सारी चीजों के अंदर वो पानी पीना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार बच्चे डिहाइड्रेट भी हो जाते हैं। इसीलिए बच्चों के अंदर डिहाइड्रेशन होना नॉर्मल है, लेकिन बच्चों को जरूरत से ज्यादा प्यास लगना नॉर्मल नहीं है। अगर आपका बच्चा मान लीजिए 5 से 7 ग्लास पानी पूरे दिन में पीता था और अब वो 10 से 12 ग्लास पानी पूरे दिन के अंदर पी जाता है, तो आपको इस बात पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि यह कारण हो सकता है कि आपके बच्चे के शरीर के अंदर डायबिटीज का खतरा बढ़ता चला जा रहा हो। पॉइंट नंबर 2, बार बार वॉशरूम जाना टॉयलेट करने के लिए। जी हाँ, बच्चे जितना पानी पीते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो टॉयलेट करने के लिए जाते हैं, लेकिन टॉयलेट करने की भी एक सीमा होती है, खास करके बच्चों के अंदर। इसीलिए अगर आपका बच्चा जरूरत से ज्यादा वॉशरूम टॉयलेट के लिए इस्तेमाल करता है तो आप इसे देखकर भी पहचान सकते हैं कि आपके बच्चे के अंदर डायबिटीज का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। पॉइंट नंबर 3, वजन में अचानक से कमी आ सकती है। जी हाँ, अगर आपके बच्चे के अंदर मधुमेह प्रवेश कर चुकी है तो उसकी वजह से वजन आसानी से कम होता चला जाता है। इसीलिए अगर आपके बच्चे का वजन संतुलित था और अचानक से कम हो गया है तो आपको उसका मधुमेह का चेकअप जरूर करवाना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, थकावट का एहसास जरूरत से ज्यादा होना। आपने अक्सर देखा होगा कि एक्टिव होते हैं, उन्हें किसी भी टाइम खेलने के लिए कहा जाए तो वो तुरंत खड़े हो जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपका बच्चा बाकी बच्चों की तरह एक्टिव नहीं है तो आपको उसका मधुमेह का चेकअप जरूर करवाना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, डायबिटीज का सबसे बड़ा सिम्टम्स और लक्षण यह है कि जिस भी इंसान को डायबिटीज की बीमारी होती है उसका कोई भी घाव सही तरीके से और जल्दी नहीं भरता है। अगर आपके बच्चे को खेलने में या फिर किसी और चीज में कोई चोट लग गई है और दवा दारू करने के बाद भी वो जल्द से जल्द ठीक नहीं हो रही है और उस घाव को भरने में काफी समय लग रहा है, तो आपको अपने बच्चों को डायबिटीज का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। सो दोस्तों, यह है कुछ ऐसे लक्षण जिन्हें देखकर और लुक आफ्टर करके आप अपने बच्चों के अंदर डायबिटीज के खतरे को कम कर सकते हैं और वक्त रहते इस पर रोकथाम कर सकते हैं। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।